राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि इस दौरान संजय राउत के बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि वे राज्यसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने जो कदम उठाया है वह उनके साथ अन्याय है। वो न केवल राज्यसभा के सदस्य हैं बल्कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। शरद पवार ने सवाल उठाया कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की क्या जरूरत है, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कभी वे सरकार की आलोचना करते हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की अस्थिरता पर कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी को उपेक्षित या दरकिनार महसूस न कराएं। जब हम बैठकर बात करते हैं तो ऐसा कोई मामला नहीं उठाया जाता। महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सत्ता में वापसी करेगी। यूपीए के नेतृत्व के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि मैंने कई बार कहा है कि मुझे ये जिम्मेदारी लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट has submitted this honorable governor 2 and a half years back. Cabinet approval is there. And that 12% list is pending with honorable governor Maharashtra for last 2.5 years. आपको बता दें, ईडी ने चौल के पुनर्विकास से जुड़े कथित भूमि घोटाले के मामले में राज्यसभा सदस्य और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत की संपत्तियां कुर्क कर ली है, जिसको लेकर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।